बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत ख़ूबसूरत पैटर्न लेके आई हूँ जिसमें मैं हुक इस्तेमाल करूँगी 2.5 mm की, और मैं जो वूल इस्तेमाल करूँगी वो 3-ply की होगी। आप यकीनन समझ चुके होंगे कि मैं 3-ply की एक डिज़ाइन बनाती हूँ, बहुत ख़ूबसूरत बनते हैं। कलर अपनी मर्ज़ी का लगा लें। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए तो न्यू पैटर्न स्टार्ट करते हैं 3-ply वूल से, और कलर में लगा रही हूँ ऑरेंज। आइए तो स्टार्ट करते हैं पैटर्न बनाना। सबसे पहले रिंग बनाऊंगी, ये हमारी रिंग तैयार हो गई है। 16 डबल क्रोशे लगाऊंगी, 1, 2, 3 चेन, 16 डबल क्रोशे, 16 डबल क्रोशे लगाऊंगी, उसकी बेस बनेगी। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे पैटर्न देखा करें, पूरे देखा करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप इतनी तवज्जो से मेरे पैटर्न देखते हैं। मैं खूबसूरत से खूबसूरत तरीन डिज़ाइन आपके लिए बनाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों के साथ शेयर किया करें मेरी वीडियो। कोई आपको फरमाइश करनी हो, कोई भी डिज़ाइन बनवाना हो, आप कमेंट्स में बोल सकती हैं मुझे। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी आपकी पसंद में पूरी कर सकूं, आपकी फरमाइश पूरी करूं। काउंटिंग करके जोड़ना सिखाती हूं आपको। ये देखिए नजरी, 16 डबल क्रोशे मैंने लगा दी है, यहाँ 3 chain बनाई थी, यहाँ जोड़ दूंगी। यहाँ पे 16 पूरे हो गए हैं, यहाँ पे बनाऊँगी 4 chain। 3 chain डबल क्रोशे के बराबर है, 1 chain गैप के लिए। 1 chain के साथ 16 डबल क्रोशे फिर से रिपीट होंगे 1 chain के साथ। बहुत खूबसूरत पैटर्न बनने वाला है, आप मेरे साथ बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं ज़रूर हल करने की कोशिश करूँगी। 1 chain बनाती हूँ, डबल क्रोशे लगाती हूँ, इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी इसका। राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हमारा राउंड जहाँ कंप्लीट हो गया है, अब हम इस गैप में लगाएंगे 2 double crochet। क्रोशे के ऊपर लगाऊंगी, इसी तरह हर गैप में 2 double crochet लगाऊंगी, 1 side पे लगाऊंगी, 3 हो जाएंगे। इसी तरह इस राउंड को पूरा करूंगी। राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। नाज़रीन, हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 3 chain बनाई थी, उसके टॉप पे जोड़ रही हूँ। यहाँ पे बनाऊंगी
फाइव चेन, टू थ्री फोर फाइव चेन, वन टू मिस करूँगी, थ्री पे लगाऊँगी, यहाँ पे बनाऊँगी टेन चेन, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन चेन, ये देखिए व्यूअर्स फाइव चेन लगाई हैं, यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ लिया, यहाँ पे थ्री चेन करेंगे, वन टू थ्री, टू मिस करके थ्री में लगा देंगे सिंगल क्रोशे से, फिर जोड़ दिया यहाँ पे, यहाँ पे टेन चेन बनाऊंगी, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन चेन के साथ गैप नहीं आएगा, वन टू मिस करूंगी, थ्री में लगा दूंगी, सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया, इसी तरह डिज़ाइन बनेगा, वन टू थ्री चेन बनाई, वन टू मिस कर दिए, थ्री में लगा दिया, वन टू थ्री फोर फाइव बना लिए, वन टू मिस कर लिए, थ्री में लगा दिया, वन टू थ्री, वन टू थ्री, इसी तरह राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। व्यूअर्स हमारा राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया है, ये देखिए फोर कॉर्नर बन गए हैं और साइडों पे ये थ्री थ्री लगे हैं, थ्री चेन के साथ फाइव चेन के साथ। इसी तरह हम यहाँ भराई शुरू करेंगे, इसमें हम नाइन डबल क्रोशे लगाएंगे सेंटर में, नाइन डबल क्रोशे से भराई करेंगे, फाइव चेन बनाई हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन डबल क्रोशे मैंने लगा दिए हैं, यहाँ पे गैप में सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया है, इसमें मैं फिर भराई करूँगी आपको दिखा के। व्यूअर्स ये देखिए यहाँ पे मैंने नाइन डबल क्रोशे लगाए हैं यहाँ तक, यहाँ सेवन लगाऊँगी इसमें, ये भी डबल क्रोशे ही लगेंगे, यहाँ सिंगल क्रोशे से बंद कर दिया है, डबल क्रोशे से भराई कर रही हूँ, सेवन लगाऊंगी, सेंटर में थ्री चेन लगाऊंगी, काउंटिंग करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हो गए हैं, ये हो गए सेवन, ये सेंटर में आ गई हूँ, सेवन के बाद यहाँ पे थ्री चेन, थ्री चेन के बाद फिर सेवन डबल क्रोशे लगाऊंगी, टू हो गए, थ्री फोर फाइव सिक्स, काउंटिंग करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन पूरे हो गए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन के बाद सिंगल क्रोशे से इस गैप में जोड़ दिया, ये देखिए यहाँ पे हमारे दो डिज़ाइन बन गए हैं, यहाँ पे फिर यही नाइन डबल क्रोशे लगाऊंगी, यहाँ पे फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ने के बाद फिर यहाँ पे सेवन डबल क्रोशे लगा के इसी तरह राउंड कंप्लीट होगा, यही पैटर्न बनेंगे, नाइन डबल क्रोशे फाइव चेन पे बन रहे हैं और यहाँ पे सेवन डबल क्रोशे इस साइड पे लगाए हैं, थ्री चेन बनाई हैं, सेवन डबल क्रोशे यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे फिर नाइन डबल क्रोशे लगाऊंगी,
इसी तरह राउंड पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशे 3 चेन। इस साइड पे भी 7 डबल क्रोशे 3 चेन। ये सेंटर में 3 चेन है, साइडों पे 7 डबल क्रोशे लगाए हैं। यहाँ पे हमने जोड़ दिया स्लिप स्टिच की मदद से, मैं सेंटर में आ गई हूँ। यहाँ पे चेन राउंड शुरू होगा, आपको चेन बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पे बनाऊँगी 4 चेन, 1 2 3 4, 4 चेन के बाद इस गैप में लगेंगे, यहाँ पे डबल क्रोश लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन के बाद सिंगल क्रोशे से जोड़ती हूँ। यहाँ पे डबल क्रोशे लगाया, यहाँ भी सिंगल क्रोशे होगा, यहाँ भी सिंगल क्रोशे, यहाँ पे 5 चेन, 3 4 5 चेन, सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चेन। यहाँ पे डबल क्रोश लगाया है, 1 2 3 4, 4 चेन के बाद 1 2 3 4 5, 5 पे सिंगल क्रोश से जोड़ दिया। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। वीवर्स, हमारा चेन राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने 7 चेन लगाई हैं, सिंगल क्रोशे से जोड़ा है, यहाँ पे 5 चेन लगाई हैं और यहाँ पे हमने 4 चेन लगाई हैं, सिंगल क्रोशे से जोड़ा है। अब हम भराई वाला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन मैंने बना लिए हैं, यहाँ राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हर चेन के ऊपर डबल क्रोशे लगाऊंगी। जहाँ 4 चेन बनी है वहाँ 4 डबल क्रोश लगेंगे। तकरीबन हर चेन पे डबल क्रोश लगते जाएंगे। यहाँ पे 7 चेन है, यहाँ पे 7 लगेंगे, 7 डबल क्रोशे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 7 हो गए। अब यहाँ पे लगाएंगे हम 2 डबल क्रोशे। वन टू थ्री फोर फाइव चेन के साथ 2 डबल क्रोशे गैप में लगाऊंगी। हर चेन के ऊपर डबल क्रोशे लगते जाएंगे। इसी तरह पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हमने दोबारा से स्टार्ट कर लिया है, यही भराई वाला राउंड बनेगा। हर क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, सिर्फ कॉर्नर पे 5 चेन बनेगी, बाकी सारा इसी तरह भरा हुआ जाएगा।
इसके ऊपर सेम कंडीशन से बनेगा जाली वाला राउंड टू चेन के साथ। कॉर्नर तक बना के आपको दिखाती हूँ, डबल क्रोशे लगा रही हूँ डबल क्रोशे के ऊपर। गैप में टू डबल क्रोशे, वन टू थ्री फोर फाइव चेन के साथ। आपको समझा देती हूँ, डबल क्रोशे का राउंड आया, ये भी इसके ऊपर डबल क्रोशे का राउंड आ रहा है। यहाँ बढ़ रहे हैं टू इस साइड से, टू इस साइड से सेंटर में फाइव चेन बनाती हूँ कॉर्नर को मेंटेन रखने के लिए। इसके ऊपर जाली का राउंड बनाऊंगी, ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ जोड़ लिया, ये फुल भराई वाला राउंड था। अब यहाँ जाली का राउंड बनाऊंगी, थ्री चेन बना ली हैं, वन चेन गैप के लिए, वन मिस करूंगी टू में लगाऊंगी डबल क्रोशे, वन चेन वन छोड़ के टू में। ये सारा जाली का राउंड जाएगा, वन टू, वन चेन बनाती हूँ वन क्रोशे मिस कर देती हूँ। पूरा राउंड इसी तरह बनेगा। यहाँ पे इसी तरह फाइव चेन टू डबल क्रोशे, वन वन चेन वन मिस करके टू में लगाऊंगी। वन मिस करके टू में डबल क्रोश लगाती हूँ। ये पूरा जाली का राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा जाली वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। फुल पे मैंने जाली बना ली है। जैसे ये मैंने डबल राउंड लगाया है इसका भराई वाला, इसी तरह जाली का भी डबल राउंड लगाऊंगी। इसी तरह बनेगा, यहीं से हम नया राउंड स्टार्ट करेंगे। थ्री चेन डबल क्रोशे के बराबर है, वन चेन गैप के लिए। वन चेन बनाती जाऊंगी, इसके ऊपर लगाती जाऊंगी। टू राउंड होंगे जाली के, उसके ऊपर नया डिज़ाइन बनेगा। बहुत खूबसूरत और सिंपल डिज़ाइन है। यहाँ पे टू लगाए हैं, इसके ऊपर यहाँ पे थ्री थ्री लगाऊंगी। जैसे टू यहाँ लगे हैं, सेंटर में फाइव चेन है। यहाँ पे थ्री थ्री लगाऊंगी, सेंटर में थ्री चेन लगाऊंगी। राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स देखिए, हमारे जाली वाला राउंड कंप्लीट हो गया, टू राउंड हो गए। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया न्यू राउंड। यहाँ मैंने थ्री डबल क्रोशे यहाँ पे लगाए हैं सेंटर में, और एक इसके क्रोशे के ऊपर लगाया है। और यहाँ मैंने यहाँ तक जाली बनाई है, सेंटर में टेन डबल क्रोशे लगाए हैं। यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगी, यहाँ पे मैंने बना दिया है। यहाँ से हम नया डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। आइए तो यहाँ बनाते हैं। ये सेंटर है,
यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ये देखें यहाँ से भराई वाला शुरू करूँगी और यहाँ तक लगाऊँगी। इसमें हमारे 10 डबल क्रोशे हो जाएंगे। आपको बना के दिखाती हूँ, बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे अंदर लगाए हैं और 1 क्रोशे के ऊपर लगाया है। यहाँ से 1 चेन बनाऊँगी, 1 गैप छोड़ते हैं। ये सारी जाली इसी तरह बनी है। क्रोशे के ऊपर क्रोशे लगाती हूँ, साइडों पे 8 डबल क्रोशे लगते हैं 1 चेन के साथ और सेंटर में 10 डबल क्रोशे बनेंगे एक साथ, उसमें चेन नहीं बनेंगी। ये मैंने सेफ्टी पिन लगा दी है यहाँ पे, ताकि हमें बनाने में आसानी हो। बार बार काउंटिंग ना करनी पड़े, फिर भी मैं काउंटिंग करके भी आपको दिखा दूँगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ 8 बन गए हैं। यहाँ से इसी जगह से हम स्टार्ट कर लेंगे। इसको हम यहाँ से खोल लेंगे सेफ्टी पिन को, यहीं से हमारा स्टार्ट हो गया। क्रोशे के ऊपर क्रोशे लगा रही हूँ और साइड में चेन के ऊपर भी क्रोशे लगा रही हूँ। यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 10 डबल क्रोशे। हमारा डिज़ाइन बन रहा है। यहाँ तक पहुँच गए हैं, दूसरी सेफ्टी पिन भी निकाल देंगे यहाँ से। अब काउंटिंग करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमने 10 डबल क्रोशे लगा लिए हैं, यहाँ पे 8 हैं, यहाँ भी 8 बनेंगी, 8 डबल क्रोशे की जाली बनती जाएगी। इसी तरह राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे भी लग गए हैं 10 डबल क्रोशे जुड़े हुए और साइडों पे जाली है 1 चेन के साथ। इसी तरह यहाँ भी साइडों पे जाली होगी और यहाँ पे ये बनाया है मैंने, 10 डबल क्रोशे लगाए हैं, किसी जगह 11 भी आ जाएंगे। हम इसको मेंटेन कर लेंगे। ये सेंटर है यहाँ पे, ये जो है इनके ऊपर हमने ये लगाया है। इस डिज़ाइन को बहुत अच्छी तरह बनाएंगे इंशाल्लाह। राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ नाज़रीन। ये देखिए, यहाँ हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया, 2 डबल क्रोशे यहाँ लगाए हैं, बाकी चेन के साथ 1 चेन 1 डबल क्रोशे यहाँ तक आए हैं। यहाँ 2 बढ़ गए हैं और यहाँ पे सेंटर में गैप आ गया है, 2 चेन लगाई हैं, 2 डबल क्रोशे छोड़ दिए हैं। इस साइड पे भी 6 डबल क्रोशे, इस साइड पे भी 6 डबल क्रोशे लगाए हैं। अब यहाँ आते हैं इस एरिया में, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे 5 हो गए हैं। चेन 1 चेन के साथ डबल क्रोशे मेंटेन रहेगा और यहाँ पे एक एक बढ़ता जाएगा हर राउंड में। यहाँ पे अब हम 3 चेन लगाएंगे, 5 डबल क्रोशे इस साइड पे हैं, 5 डबल क्रोशे इस साइड पे होंगे। बना के दिखाती हूँ आपको। ये 3 डबल क्रोशे हो गए हैं, यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, 3 चेन के बाद 3 डबल क्रोशे। थ्री डबल क्रोशे गैप में लगाए हैं,
साइड पे 2 डबल क्रोशे लगेंगे, 1 चेन, यहाँ पे भी गैप बन गया है 1 चेन का, यहाँ तक जाती हूँ, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, बहुत बारीक और बहुत आसान पैटर्न है, आप ज़रूर बनाइए। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। वन चेन के साथ जारी जा रही है, वन चेन डबल क्रोशे, यहाँ तक आ गई हूँ। ये देखें, यहाँ पे 1 चेन है, यहाँ पे चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ से भराई वाला रंग शुरू हो जाएगा, यहाँ क्रोशे के ऊपर क्रोशे, साइडों से 2 बढ़ेंगे, सेंटर से 2 कम हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 बन गए हैं। 2 चेन बनाऊंगी, 1 2 मिस करेंगे, 3 में लगाएंगे, यहाँ भी 6 बनेंगे, 2 साइडों से बढ़ जाएंगे, क्रोशे के ऊपर क्रोशे, चेन के ऊपर भी क्रोशे, इसी तरह ये डिज़ाइन बनता जाएगा। चेन बनाऊंगी, क्रोशे के ऊपर लगाऊंगी, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। यहाँ बना दिया मैंने, यहाँ सिखा दिया आपको, अब इसका राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, यहाँ से मैंने फिर जाली स्टार्ट कर ली और यहाँ पे 6 बनाए हैं, यहाँ पे 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 2 कम हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने 5 चेन लगा के यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ा है, यहाँ पे 5 चेन लगाने के बाद फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशे, फिर यहाँ से ये जाली मेंटेन रही, और यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये 6 हो गए हैं, 6 क्रोशे के ऊपर लगे हैं और 3 इसके गैप में लगे हैं, सेंटर में 3 चेन है। ये अपनी खूबसूरती, आप ये डिज़ाइन बन रहा है, और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लगाए हैं ये 5 चेन, ये आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। आइए तो बनाते हैं। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशे लगा लिए हैं, 3 चेन बनाई हुई हैं, 4 5 1 2 3 4 5 5 चेन के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ लिया, 1 2 3 4 5 1 2 मिस करेंगे, 3 पे लगाएंगे डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे लगाती हूँ, 40 मेंटेन रखने के लिए 1 आध क्रोशे ज़्यादा कम हो सकता है, जाली सही मेंटेन रहती है। ये देखिए अब ये डिज़ाइन बन रहा है, यहाँ पे भी 5 चेन लगाई है, यहाँ पे भी 5 चेन लगाई है, इसके सेंटर में डिज़ाइन बनेगा,
यहाँ भी यही बन रहा है, साइडों पे जाली जाएगी और यहाँ पे ये भी बढ़ रहे हैं और जाली भी बढ़ रही है, हमारे ये गैप बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको इसका राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। है ये रिपीट है, इसके ऊपर मैं आपको समझा देती हूँ। ये बढ़ते जाएंगे, जैसे ही हमारा यहाँ पे ये राउंड कटिंग राउंड शुरू होगा फिर आपको दिखाऊंगी। तीन चार राउंड लगा के दिखाती हूँ। इसी तरह फाइव चेन से ये जाली बनेगी यहाँ पे, बाकी ये वन चेन से जाली बन रही है और ये साइडों पे सिक्स डबल क्रोशे मेंटेन रहेंगे। यहाँ पे इस जगह पे ये थ्री बड़े हैं, इसके ऊपर फोर बढ़ जाएंगे। इस तरह यहाँ पे ये जाली मेंटेन रहेगी वन चेन के साथ डबल क्रोशे। अब आपको मैं तीन चार राउंड लगाने के बाद फिर दिखाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया था। ये वाला राउंड मैं बना रही हूँ, यहाँ पे भी फाइव चेन लगाई हैं, सिंगल क्रोशे से जोड़ा है, यहाँ पे भी सिंगल क्रोशे से जोड़ा है, फाइव चेन। इसी तरह ये सारा बना के मैं यहाँ तक आ गई हूँ। यहाँ पे आपको बनाना सिखाऊंगी। यहाँ भी बनाते हैं, टू माइनस होते हैं, टू बढ़ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे टू बढ़ गए हैं और यहाँ पे टू माइनस हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन के बाद यहाँ लगा दिया, सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया, वन टू थ्री फोर फाइव चेन सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन, वन टू थ्री, टू माइनस किए, थ्री में लगा दिया। सिक्स डबल क्रोशे लगेंगे यहाँ पे, टू हो गए, थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स डबल क्रोशे लग गए हैं। यहाँ पे भी सिक्स लगे हैं, यहाँ पे भी सिक्स लगे हैं। यहाँ पे वन चेन के साथ यही जाली मेंटेन रहेगी, वन चेन, वन चेन के साथ डबल क्रोशे लगाती हूँ। बहुत बारीक और नफीस डिज़ाइन है, आप ज़रूर बनाइए। वन मिस किया, टू पे लगाया, ये देखिए यहाँ पे मैंने बना दिए थे और यहाँ आपको बनाना सिखाया है। और यहाँ से यहाँ तक बनाऊंगी, यहाँ से राउंड स्टार्ट होता है। राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ से मैंने न्यू राउंड स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे सिक्स डबल क्रोशे बना दिए हैं और यहाँ पे मैं फाइव चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन के साथ यहाँ पे लगा दूंगी, सिंगल क्रोशे से जोड़ रही हूँ, फोर फाइव सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशे से यहाँ जोड़ा है, फाइव चेन बनाऊंगी, थ्री फोर फाइव चेन,
और यहाँ पे 1 2 मिस करूँगी, 3 पे लगाऊँगी, 6 डबल क्रोशे। ये हमारा इस डिज़ाइन का सेंटर पार्ट है, इसको मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। और उसके बाद जो कटिंग राउंड होगा उसके 3 राउंड लगा के दिखाऊंगी आपको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ फिर 6 हो गए हैं, 2 बढ़ गए हैं। यहाँ पे वही वन चेन के साथ ये जाली बनेगी। ये देखिए, यहाँ से राउंड स्टार्ट हुआ, यहाँ तक बनाना आपको सिखा दिया। यहाँ पे ये सेंटर है, इसके बाद कटिंग राउंड शुरू होगा। इसका राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। यही राउंड सब पे सेम कंडीशन से बनेगा, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ये सेम 5 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया, 5 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे से जोड़ दिया। इसी तरह यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे हैं, 1 2 3 4 गैप हैं, ये सेंटर है हमारे डिज़ाइन का। इसके बाद जो राउंड आएगा वो कटिंग राउंड शुरू होगा, ये वाला राउंड यहाँ बनेगा। एक राउंड बना के फिर दिखाती हूँ आपको। इस पैटर्न में यहाँ तक तो मैंने बनाना आपको सिखा दिया है, जब मैं कटिंग राउंड फर्स्ट राउंड आपका आपको सिखाऊंगी, उसके बाद रिपीट होता जाएगा, फिर मैं आपको 3-4 राउंड लगा के फिर दिखाऊंगी। अभी ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ से हमारा न्यू राउंड स्टार्ट हो गया, यहाँ कटिंग राउंड शुरू हो गया। यहाँ मैंने 4 इस पे लगाए हैं, 2 माइनस कर दिए हैं, यहाँ पे 5 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ा है, 5 चेन, यहाँ पे 3 गैप बने हैं, ये सेंटर है, 1 2 3 4, सेंटर में 4 गैप बने हैं। यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक बना दिया है, अब आपको यहाँ से बनाना सिखाऊंगी। टू लगा लिए हैं, ये 3 हो गए, 1 2 3 4 5 चेन सिंगल क्रोशे से जोड़ लिया, 1 1 2 3 4 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन, यहाँ पे हम चेन में लगाएंगे 3 डबल क्रोशे। ये जो 5 चेन बनाती थी उसमें मैंने 3 डबल क्रोशे लगाए हैं, यहाँ पे 4 लगेंगे, 7 हो जाएंगे, वन माइनस होगा, यहाँ पे लगेगा 1 चेन के साथ। ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। कटिंग राउंड शुरू हो गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बना, अब यही पैटर्न ऊपर रिपीट होगा और यहाँ से यहाँ तक कटिंग हुई। यहाँ अब इस साइड से कटिंग होगी, इस साइड पे अंदर की साइड पे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे लगते जाएंगे 5 चेन के साथ।
यहाँ 1 2 3 4 5 राउंड है, तब जाके हमारा ये हाफ हुआ। यहाँ भी 5 राउंड लगेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 5 राउंड। ये राउंड पूरा करके इसके ऊपर 3 राउंड और लगा के फिर आपको दिखाती हूँ, जैसे यहाँ ये इसका बॉक्स कंप्लीट होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी, फिर ऊपर लेस बनाएंगे। कोई अगर इसमें डिज़ाइन वगैरह बढ़ता है या कुछ और डिज़ाइन में बनाती हूँ वो भी आपको समझा दूंगी। मिलती हूँ 3-4 राउंड के बाद। व्यूअर्स, मैंने आपको दिखाया था ये रिपीट है, यहाँ तक मैंने आपको बनाना सिखाया, यहाँ तक, यहाँ से ऊपर ये राउंड भी आपको सिखाया, ये सारा रिपीट होता गया। इस राउंड में यहाँ देखें ये बंद हो गया है, ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और ये डिज़ाइन भी अपनी सही शक्ल में जा रहा है। यहाँ 3 बढ़ते गए 3 चेन के साथ, यहाँ से यहाँ तक आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसमें ये डिज़ाइन भी आ जाएगा आपको बनाना। यहाँ पे जैसे यहाँ से स्टार्ट किया इसी तरह यहाँ से बंद करूँगी। आइए तो बनाते हैं। वन चेन के साथ डबल क्रोशे, यहाँ 10 डबल क्रोशे लगाऊंगी, ये हमारा डिज़ाइन बंद हो जाएगा यहाँ पे। फोर डबल क्रोशे यहाँ लग गए हैं, 2 चेन हैं, यहाँ पे चेन पे लगा रही हूँ, 2 डबल क्रोशे यहाँ लगाऊंगी। सिक्स हो गए क्रोशे के ऊपर क्रोशे, 7 8 9 10 यहाँ पे 2 यहाँ से स्किप होंगे, यहाँ से 1 चेन बनाएंगे, 2 पे लगाएंगे। ये देखिए ये डिज़ाइन यहाँ पे बंद हो गया है। 1 चेन के साथ कॉर्नर तक जाएंगे, 7 बनना है। आप क्वेश्चन कवर बना सकती हैं, आप इसके 2 पार्ट बनाएं और इसको सेंटर से जोड़ लें, पिलो कवर बन जाएगा आपका। क्वेश्चन का साइज का तो हो गया है, यहाँ मैं बंद कर दूँ, क्वेश्चन तैयार है। 2 पार्ट्स बनाएंगी तो आपका पिलो तैयार हो जाएगा। इसी तरह आप बड़े से बड़ा इसको बना सकती हैं, छोटा बनाना चाहें छोटा भी कर सकती हैं। रिपीट पैटर्न है ये, जितना मर्जी बड़ा बना लें। तरीकेकार एक ही है, समझा देती हूँ। ये देखें कॉर्नर से यहाँ से 2 हम कम करते गए और यहाँ से बढ़ाते गए, सेंटर से 3 बढ़ते गए, वो हमें यहाँ से 1-1 का स्पेस मिलता रहा। इसी तरह ये भी डिज़ाइन बन गया साइड पे, ये भी डिज़ाइन बन गया और ये डिज़ाइन भी हो गया। इसी तरह इसके ऊपर बाउंड्री लाइन दूंगी, यहाँ तक राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। 1 चेन के साथ
यहाँ पे टू माइनस हो गए, यहाँ जाली बन गई है और यहाँ पे भरा हुआ जाएगा। मज़ीद इसको बड़ा करना चाहें तो इसकी जो मैंने इसमें डब्बे बनाए हैं, कॉर्नर बॉक्स बनाए हैं साइड पे, उसको आप दोबारा से स्टार्ट कर सकती हैं। ये देखें, यहाँ पे 10 से स्टार्ट किया था, 10 डबल क्रोशे से 10 पे ख़त्म किया है। यहाँ से ही वाज़े नज़र आ रहा है, यहाँ से आप दोबारा से स्टार्ट कर सकती हैं इसी बॉक्स को, और फिर आप जितना बड़ा बनाना चाहें तो बना सकती हैं साइड से। यहाँ से आप ऊपर बनाना चाहें, नोक निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकती हैं, उसमें ये टू बॉक्स बन जाएंगे और ये साइडों पे जाली मेंटेन रहेगी। टू लग गए हैं यहाँ पे, थ्री हो गए, थ्री डबल क्रोशे, थ्री चेन, किसी भी कलर में आप बनाएं, बहुत खूबसूरत बनता है। मोटिफ डिज़ाइन है हमारा, कोई भी इसमें डिज़ाइन ऐड करना चाहें तो आप कर सकती हैं। ये देखिए, यहाँ भी टू माइनस हो गए, वन चेन, क्रोशे के ऊपर क्रोश लगाया है, इसी तरह सारी जाली बनी है वन चेन के साथ। टाइम बहुत लगा है मेरा, आखिरी राउंड स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगी। ये राउंड यहाँ कंप्लीट हो रहा है, वन चेन बनाऊंगी। यहाँ फोर चेन बनाई थी, वन चेन छोड़ देंगे, थ्री के टॉप पे जोड़ दूंगी। ये देखिए, यहाँ हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट राउंड, थ्री चेन बना दी हैं, इसमें लगाएंगे क्रोशे के ऊपर क्रोशे लगाऊंगी, अब सारा इसी तरह बनेगा। ये हमारा फाइनल राउंड है, ये देखिए बहुत अच्छा बनना है। आपको पूरा करके, फाइनल राउंड पूरा करके फिर दिखाती हूँ, मिलती हूँ ये राउंड कंप्लीट करके। ये देखिए नाज़रीन, मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया है, बेहतरीन बना है। आप भी बनाइए, इसके ऊपर मैंने लेस नहीं बनाई है, मोटिफ इसी तरह बनाया जाता है। अगर बड़ा बनाना चाहें तो यही वाला डिज़ाइन आप यहाँ पे डबल कर सकती हैं और इस तरह आपका डिज़ाइन बड़ा हो जाएगा।
बहुत खूबसूरत बना है। मेजरमेंट भी दिखाती हूँ आपको, 13 इंच में तैयार हुआ है। कुशन कवर है पूरा। आप एक ये बनाएं और एक पार्ट टू बनाएं इसका, और दोनों को जोड़ दें और तैयार कुशन कवर बन जाएगा। बहुत खूबसूरत बना है। आप भी बनाइए, कमेंट ज़रूर करके बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा मेरा डिज़ाइन। दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट पैटर्न के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।